हेलो दोस्तों, सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 12:30 बजे से। और आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने करवा चौथ में क्या क्या शॉपिंग की है। और मैंने आधी शॉपिंग ऑनलाइन की है, आधी ऑफलाइन की है, बाकी मेरा आधा सामान अभी आया नहीं है। परसों करवा चौथ है, सो आज शायद आ जाए, आज आने वाला है वैसे। और तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने कपड़ा लिया है ग्रीन और गोल्डन कलर का, क्योंकि जब करवा माता की पूजा की जाती है तो जो चौकी होती है उस पर बिछाने के लिए मैंने ये इस कलर का ही कपड़ा लिया। मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने ये कपड़ा लिया और इसी में ही जो भी पूजा की सामग्री वगैरह होगी वो सारी मैं इसी में ही करूँगी। और मैंने फिर लिया करवा माता का पोस्टर और इसमें करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो भी लिखी हुई है इस नीचे। और फिर मैंने करवा चौथ की एक बुक ली है ये परचेज की, और इसमें जो पूजन विधि है हम कैसे पूजा करें और आरती वगैरह सब कुछ है। तो इसमें कथा है कि हम क्योंकि करवा चौथ में सच कथा भी पढ़ते हैं, तो ये इसमें सारी कथा लिखी हुई है, तो ये मैंने बुक परचेज की है। और जो करवा चौथ होती है उसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है करवा। करवा तो मैंने एक मिट्टी का करवा लिया है। कोई लोग होते हैं जो एक करवा लेते हैं, कोई दो करवा लेते हैं, तो मैंने दो करवा लिया है। एक मैंने मिट्टी का करवा लिया है और एक मैंने चीनी का करवा लिया है, लेकिन जो चीनी का करवा अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो मेरे फ्रेंड के घर पे रह गया है, तो अब मैं शाम को ले आऊँगी। बाकी ये मिट्टी का करवा लिया है मैंने, इसमें ये दिया लिया हुआ है। और जो चीनी का करवा होता है वो पूरा चीनी से बना हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा तो काफ़ी सुंदर लग रहा था वो करवा, वाइट कलर का। और बाकी मैंने करवा चौथ की थाल ली है, थाल और ये लोटा और छन्नी ली है। और बाकी इसके अलावा मैंने ये श्रृंगार का सामान लिया है, और जो सामान होता है जिसे सासू माँ को देना पड़ता है ना फर्स्ट, शायद क्योंकि करवा चौथ में सासू माँ को देना पड़ता है, तो वो जो साड़ी तो पहनते नहीं हैं, तो वो राजस्थान में ही रहते हैं तो वो वहीं की पोशाक पहनते हैं, तो जो राजस्थान वाली मम्मी है तो मैंने सोचा कि साड़ी देख के तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पहनते तो नहीं है और पोशाक तो यहाँ मिलेगी नहीं अच्छी, तो वहीं अच्छी मिलती है। तो मैंने उनके लिए एक शॉल लिया ताकि वो इसे यूज़ भी कर लें, ताकि मुझे लोग देने का फ़ायदा भी रहे। तो मैंने उनके लिए एक शॉल लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसमें पूरा थ्रेड वर्क है, तो मुझे इसलिए ये शॉल काफ़ी अच्छी लगी थी। सो ये शॉल लिया। बाकी मैंने उनके लिए श्रृंगार का सामान लिया है, श्रृंगार के सामान में जो फॉर्म वगैरह हो गई है, काजल, मेहंदी, लिपस्टिक वगैरह और रबर बैंड, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैंने उनके लिए ली है, जो श्रृंगार का सामान होता है, बिंदी वगैरह के लिए। बाकी मैंने जो मंदिर में चढ़ाने के लिए है करवा माता के लिए, जैसे बिंदी का पैकेट हो गया, ये तो मंदिर का सामान है, और रबर बैंड हो गया, और बाकी ये सारी चीज़ें करवा माता को चढ़ाने के लिए हैं ये सारी चीज़ें। और बाकी मैंने फिर दो बिच्छू लिए, क्योंकि बोला जाता है करवा चौथ में न्यू बिच्छू पहनने चाहिए बोलते हैं, तो मैं दो बिच्छू परचेज किए हैं क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगे थे, एक ब्लू कलर के, एक रेड कलर के। सो एक को तो मैं पहन लूँगी और दूसरे को मैं करवा माता को चढ़ा दूँगी। और बाकी चूड़ी ली है मैंने, ये भी मैं राजस्थान वाली जो मम्मी है उनके लिए ली है चूड़ियाँ, क्योंकि श्रृंगार का पूरा सामान देना होता है, तो ये उनके लिए मैंने लिए हैं। और बाकी मैंने बाकी जो शॉपिंग की है वो बाकी खुद के लिए की है, मैंने खुद के लिए मतलब कि एक सूट की है, मैंने सूट लिया है क्योंकि पूरे दिन भर साड़ी नहीं पहनती घूमना है, तो सूट भी ले लिए ताकि इजी रहे कोई भी काम करने के लिए। सो मैंने ये साड़ी सूट ली है और उसके साथ में मैंने मैचिंग से मैंने चूड़ियाँ ली है लाइट कलर की, तो मुझे अच्छी लग रही थी ये चूड़ा तो मैंने ले लिया। और अभी करवा चौथ के लिए मैंने साड़ी ली है, मैंने ऑनलाइन ही ली थी, मिंत्रा से ली थी मैंने, वहीं से परचेज़ की थी, बाकी मैंने इसका ब्लाउज भी मैंने दे दिया है। तो ये है साड़ी मेरी, तो काफ़ी सुंदर लगी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये थोड़ी जॉर्जेट में है, सिफॉन टाइप है, जॉर्जेट टाइप में है, इसे पहनना बहुत ईजी होता है इन साड़ियों को पहनना। तो ये मैंने साड़ी ली
और उसके साथ में एक बेल्ट भी मिली हुई है। आप चाहें तो इसको वेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगी अपनी लिए इसके साथ बेल्ट। बाकी जो मैं चूड़ी पहनूंगी वो मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो मैं अपनी जो साड़ी का शादी के टाइम पे जो मेरा चूड़ा था मैं वही पहनने वाली हूँ मैं फर्स्ट करवा चौथ में। और जो मैंने अपनी जो साड़ी ली है वो तो साड़ी की मैच से ही मैंने फिर अपनी करवा चौथ की जो थाल थी, क्योंकि आजकल साड़ी की मैचिंग की थाल आ रही है मार्केट में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की आ रही थी, तो मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग की थी क्योंकि मैं फर्स्ट करवा चौथ था इसलिए मैंने रेड साड़ी ही ली फर्स्ट करवा चौथ में। तो ओवरऑल मेरी इतनी अभी तक की शॉपिंग है, बाकी मैं अभी और थोड़ा सामान आने वाला पार्सल आने वाला, तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।